छोड़कर गया तुम्हें 2500 तो ली सर 26 दिन 2526 दिन 6 घंटे 25 मिनट और 5 सेकंड 6 सेकंड शकत तो ली मैं रोज इसी तरह तुम्हारे सामने अपना दुखड़ा बांटने के लिए खड़ा हो जाता हूं माधुरी कहने को चार चार बेटों का बाप हूं लेकिन फक्र करने लायक एक भी नहीं है चौथा भी छोटा है इसलिए ठीक ठाक है लेकिन बड़ा होकर वो भी अपने भाइयों की तरह खैर तुमसे दो चार घड़ी बात कर लेता हूं तो मन को शांति मिलती है गॉड ब्लेस यू माधुरी आई एम सॉरी गॉड ब्लेस योर सोल तुल्ली सॉरी ये लोग अभी तक आए नहीं तुमने इन्हें नीचे आने के लिए नहीं कहा था क्या सर एक बार नहीं तीन बार कह के आऊं कि आपने अपनी पत्नी के नाम से एक नई फैक्ट्री शुरू की है और उसके उद्घाटन पे जाना है तुमने उनसे कहा नहीं कि ये फैक्ट्री उन्हीं को संभालनी है सर आपके आने से पहले यही तो कह रहा था तो सर वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं सर बजरंगी जी मुझे देखकर बात किया करो यार बजरंगी जी मालिक तुमने ब्लैक में नीचे तुम्हें साहब के नहीं सुनते तुम मेरी क्या सुनेंगे मालिक हम आ गए फिरदौस तुम्हारा ये हुस्न हमें तुम्हारे करीब खींच लाया पापी औलाद अपनी स्वर्गवासी मां की साड़ी का अपमान करते हुए तुझे शर्म नहीं आती ये सब दखियानुसी ख्याल हैं इन्हें छोड़ दीजिए वरना पछताएंगे चुप कर मत सुना मुझे अपनी बकवास धन्य ये वही चंडाल है जो पिछले 20 बरसों से न मुझे जीने दे रहा है और न ही मरने दे रहा है बाप को चंडाल कहता है जी मैं आता कि तेरी खाल खींच लूं ए धन्य मुझे बचा ले मुझे अपनी आंचल में जगह दे धन्यो वरना ये हैवान मुझे खा जाएगा क्यों बाप कैसी रही एक्टिंग अब वो दिन भर नहीं जब श्रीदेवी जी रेखा जी और माधुरी जी मेरे साथ काम करने के लिए पागल उठे कितने शर्म की बात है ये माधुरी जी तो तुझे याद है लेकिन अपनी माता माधुरी जी को तू भूल गया जिसके लिए मैं आज एक नई कंपनी खोलने वाला हूँ माधुरी और उसके नालायक संस देख अगर तेरे पास वक्त है और अपनी माँ के लिए जरा सी भी श्रद्धा है तो तेरा ये बाप नीचे नाश्ते के टेबल पर तेरा इंतजार कर रहा है आजा तेरे बाप तेरा आभारी होगा आजा रे माधुरी हाय डैड आई एम मैड जो तुम जैसे नमूनों को पैदा किया कम ऑन डैड अरे डैड के बच्चे क्या मैं तुमसे सीधे मुंह दो बातें कर सकता हूँ यस डैड बोलिए क्या करता रहा क्या करते हो राजीव मैंने तुम लोगों की माँ के नाम से एक नई फैक्ट्री खोली है ऑल द बेस्ट डैड ऑल द बेस्ट अरे वो फैक्ट्री तुम लोगों के नाम है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसके उद्घाटन पर आओ कम ऑन डैड ये फैक्ट्री का चक्कर आप ही संभालिए बट स्टिल इफ यू वांट मी मेरे लिए एक्सरसाइज का कमरा रखवा दीजिएगा फैक्ट्री में साहबजादे मैं फैक्ट्री खोलने जा रहा हूँ कोई अखाड़ा नहीं डैड जिम कहिए तू सीधी तरह तैयार होकर नीचे आता है नहीं डैड ये मेरे एक्सरसाइज का टाइम है आवाज की दुनिया के दोस्तों आज आप लोगों के सामने अपने आप को यानी कि उभरते हुए गायक ऋषि कुमार को पेश कर रहा हूं हां तो हजरत गजल शुरू करने से पहले आदाब आइए हां तो हजरत तबले पर आज मेरा साथ दे रहे हैं कैलाश खां साहब कैलाश खां आदाब दोस्तों गजल शुरू करने से पहले एक किस्सा याद आ गया मुझे अरे किस्से से पहले अपने बाप की फरियाद सुन ले ए गायक गवैया बिल्कुल सुनूंगा बाबूजी और है ही कौन आपकी नैया का खिवैया अरे वाह क्या काफिया मिलाया है आदाब हाँ तो दोस्तों आपकी खिदमत में पेश है मुझे आई न जग से ला तुम्हें आएगी मैं इतना जोर से नाची आज एक नई फैक्ट्री खोली है घुंघरू टूट गए माधुरी और उसके सन्स के घुंघरू टूट गए मुझे उसके उद्घाटन पे आना है
तैयार होकर नीचे आ जा बेटे। मोहे आई अरे मैं मर गया, मैं कहां फंस गया इतना अरे बेटे अरे घुंघरू ही तोड़ता रहेगा ये तो। तो तीनों नहीं आए। बजरंगी जी मालिक, कितने बच्चे हैं तेरे? मालिक हमारी तो शादी नहीं हुई अभी तक। सुखी हो तुम जी? खाते खाते भूख तो नहीं मर जाती ना? पापा आप बिना नाश्ते किए जा रहे हैं, खाइए ना, मैं आपका साथ दूंगा। बड़ा होकर भी मेरा साथ देगा ना बेटा? दूंगा पापा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बंगला अच्छा है, होने को भी छान है, छान लई छान। तू करी करी क्या करिए, किचन देख जाकर। किचन कुटे है माजी? अरे घर है तो किचन तो होगा ही ना, ढूंढ। हाँ हाँ माली। कौन दे रहा है आवाज? ओ माली, ये आके पड़ पड़ कर क्या देख रहा है? खबरदार जो मुझे पूछे बगैर कुछ किया तो मेरे बगीचे में। आपका बगीचा? आप हैं कौन? इस बंगले की नई लैंड लेडी और आज से तुम्हारी मालकिन। मालिक मालिक नहीं, तुम तो मोपेड हो। अरे अब तो छोड़ो मेरा हाथ। गुड्डी ये लोग हैं कौन? माजी ये लोग चोर लोग हैं। ये होता किचन मादी घुस के चा बनाता था और ये झींगा आमलेट खाता था। देखिए आप लोगों को जरूर कोई मालिक मालिक इस आफत से मुझे छुड़ाइए। मालिक अरे अरे मालिक 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 ये मालिक तुम लोगों का मालिक है? पाप कौन है ये लोग? पता नहीं बेटा मुझे बस तुम्हारा कमरा लोग है कौन? पता नहीं बेटा मुझे तो कैलाशनाथ ये सब क्या हंगामा है? ये और जबरदस्ती मेरे घर में घुस रही है। अरे देखा, ये मेरे घर आ गई। देख करीना ये घर है ना, ये मैंने आज खरीदा है और यहाँ पर ये मालिक का बच्चा अपने पूरे खाता लेकर जमा के बैठा हुआ है। अरे जरीना इसे समझाओ कि ये बंगला हमारा है। पुलिस को बुलाइए। कानून को बीच में मत लाओ। तुझे गलत फहमी हुई वो तो होती रहती है। ये बंगला कैलाश नाथ जी का ही है। पता नहीं क्या समझता है ये मालिक बुड्ढा, मेरा तो दिल करता है ये ठूकते। कौशल्या चल चोर तू बता जरीना, इंसान से क्या गलती नहीं हो सकती? अगर गलती से हम इसके बंगले में चले गए तो कौन सा पार टूट पड़े हमारी बुद्धे के सर पर? बंगला खाली क्या इसका ही हो सकता है? दुनिया में और किसी के पास बंगला नहीं है? हो सकता मेरा क्या बंगला नहीं हो सकता? हाँ है, ये है तुम्हारा बंगला। कितना प्यारा है। हम लोग अपने अपने कमरे देख लेते हैं। कितनी प्यारी है तुम्हारी बेटियाँ। अच्छा तू दो तीन दिन आके रह ले, फिर पता चलेगा भयंकर है हमारी बेटियां। वाओ अंदर क्या मैं खुद ही चलकर देख लो। गुड्डी इन लोगों को तुम जानती हो? आंटी आपने हमें पहचाना नहीं? नहीं
हमारी माँ कुंती आपकी बचपन की सहेली थी, याद है आंटी? मक्खनपुर का वो मकान। कुंती, हाँ आप याद आए। तुम चारों कुंती पुत्र हो? तीन पुत्र एक पुत्री। मॉम, लगता है ये लोग सीधा तिरुपति से आ रहे हैं। तिरुपति तो हम हर महीने जाते हैं। पाल देने? नहीं नहीं, पाल मांगने। बचपन से हमारा यही हाल है। कहाँ कहाँ जाकर मन्नतें नहीं मांगी, मगर आज तक इस सरजमीन पर एक भी बाल नहीं होगा। बंजर जमीन पर बिना हल चलाए खेती नहीं होगी। कमल, किसी की कमी का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं होता। आज पहली बार किसी ने हमारी भावनाओं को समझा है। आंटी, यू आर ग्रेट। हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। आप जो भी कहेंगी हम वही करेंगे। तो पहले हमारा बाहर से सामान अंदर लेके आओ। माजी, नी जरा रसोई बगुनी है तो। एक कुत्री अच्छा ना हो, एक उनती पुत्री, मेरे को जरा रसोई दिखाती क्या? दिखाती हूँ मोटी, आओ। आगो पायो। कोमल, कविता, कंचन, तुम तीनों से मेरी एक विनती है, इस बार अड़ोस पड़ोस के लोगों को तंग मत करना। तुम्हारी वजह से ये पांचवी बार मैंने नई जगह में मकान खरीदा है। ओके मॉम। यस मम्मी। हाँ माँ। सिस्टर, जब तक अपना सामान आए हम लोग अपने कमरे देख ले। आप लोगों के कमरे ऊपर है, हमने पहले से ही सब कुछ साफ कर दिया है। कब सुधरेगी हमारी ये तीनों लड़कियाँ? आप भी क्या सोचते होंगे, मैं हर बार आपकी तस्वीर के सामने अपना दुख बांटने बैठ जाती हूँ, मगर मैं करूँ भी तो क्या, किससे कहूँ? आप तो इन बच्चों के लिए सभी कुछ छोड़ गए हैं, रुपया पैसा नौकर चाकर, मगर ये बेटियां बड़ी होने के बाद सुख देना तो दूर की बात है, मेरा कहना तक नहीं मांगती। इनके लक्षण देखकर कौन इनसे शादी करेगा? जाने इस मोहल्ले में आज क्या क्या देखना बाकी है। मोहल्ला तो शहर में होता है, ये तो जंगल है। अरे जंगल में कम से कम लोग वहाँ पत्ते तो पहनते हैं। वैसे तूने क्या क्या देखा? जी बदतमीज। और तू बता, तूने क्या क्या देखा? सब देखा, सब कुछ देखा। ये तो हक था सिर्फ माता जी का जिसने हमें पैदा किया, और बाबूजी का जिसने हमें पाला। अबे दिल की आवाज भी सुनो, कपड़े पहनने या उतारने पे मत जाओ। दिल की आवाज? हाँ, जो सुबह लड़कियाँ आई थी वो आई नहीं थी, भेजी गई थी। क्या? किस स्वर्ग ने भेजी थी? किस्मत ने, वो भी अचानक। मुझे मेरी मोहब्बत कहाँ आकर मिली? मोहब्बत? हाँ, आंखें बंद करके महसूस करो और बताओ कौन थी वो तीन? हमारी मोहब्बत की मंजिलें खुद चलकर आई और बाथरूम के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। मगर राजीव भैया, मेरी मोहब्बत की मंजिल कौन सी थी? वो शायर है, तो उसकी तरन्नुम, और मेरे लिए तुरंग मंच का राजा, और वो रानी, और मेरा शहजादा चार टांगों पर चले, तो इसका सबसे तेज घोड़ा ने। मेरे बालों वाले बलमा, अपनी चंदा को कब देगा खबरिया? हाय, क्या हुआ? मत पूछो, अब बेकरारी सही नहीं जाती। मेरी चांद वाले भाइयों सुनो, मैं कुंती पुत्री कुकू ये प्रण लेती हूँ कि अगर मुझे मेरे बालों वाले बलमा ना मिले तो मैं अपनी प्राण त्याग दूंगी। नहीं नहीं बहना, धीरज रखो, धीरज रखो बहना, हम खुद कैलाशनाथ जी के पास जाकर उनके बेटे राजीव का हाथ मांग लेंगे। लेकिन पहले हमारे हाथ तो पीले हो जाने दो। बात की तूने, हाथ लड़कियों के पीले होते हैं।
डोंट वरी सिस्टर, हम चारों की शादी एक ही साथ होगी होगी होगी। वन टू हाय हाय। चलो जानू बोलो ना। अंकित कविता तुम्हें क्या हुआ हुआ? अरे वो देखो वो तीन यहाँ है। I love you। देख कोमल वो डंबल वाला है ना, उसी के बारे में मैं कह रही थी। हाय वो तो बड़ा हैंडसम है। और कंचन हाँ वो जो श्रीदेवी की पति लिए खड़ा है ना, वो भी तेरे जैसे फिल्मों का दीवाना है। हाय बिल्कुल हीरो लगता है। और वो जो पेटी वाला गुड्डा जैसा रंग है तेरा, वो मेरा जोड़ीदार लगता है। हाँ कविता। तो भाई और बहनों अर्ज किया है कि देख रहा हूँ कब से बैठा ख्वाब, छा रहा है मस्ती का शबाब। सुभान अल्लाह शुक्रिया। लगता है आजकल पेड़ पौधे भी शेर शायरी करने लग गए। पेड़ पौधे? मैं आप मुझे कविता कहते हैं, आपकी तारीफ। जी मुझे ऋषि कुमार कहते हैं, गजल सिंगर। आपसे दोबारा मिलकर बेहद खुशी हुई। दोबारा? हम पहले कहाँ मिले थे? कल ही तो मिले थे जब आप सिर्फ वो पहन कर आए थे। ओह नो, उस दिन मैं टॉवल बांधकर अकेले में दल फेर रहा था। इसमें सॉरी की क्या बात है, खूबसूरत कसरती बदन को हमेशा ढाक कर नहीं रखना चाहिए। आप वर्कआउट कितने घंटे करते हैं? जी बस सोते वक्त ही नहीं करता वर्कआउट। फिर तो आपकी और हमारी खूब पटेगी। खूब पटेगी। चाहता तो मैं भी हूँ कि तुझे पटाऊं, लेकिन तेरा वो भाई हम दोनों के रास्ते में पत्थर बन के खड़ा है। भाई से क्यों डरते हो? मर्द हो तो दिन दहाड़े घोड़े पर बैठाकर उड़ा ले जाओ। सच बसंती। वीरू। बसंती। वीरू। आप और यहाँ? मैं एक्टिंग में इतना खो गई थी कि I'm sorry. सॉरी कहने की क्या जरूरत थी? क्या शॉट दिया है आपने? थैंक यू। लेकिन मैंने आपको पहले कहीं देखा है? कल ही तो मिले थे आपके घर पर। हाँ लेकिन आपकी वो तो बहनें कहाँ हैं? वो हम यहाँ हैं। रंगे भैया, रंगे भैया, ये है कविता जी, मेरी तरह गजल सिंगर है। आदाब। भैया ये है कोमल, इन्हें वर्कआउट करने का बहुत शौक है। हाय। और ये है मेरी तरह एक्टिंग के शौकीन। वाह क्या मिला है ऊपर वाले। ये जॉगिंग पार्क है, यहाँ आदमी को भागते हुए नजर आना चाहिए। अगर इश्कबाजी भी करनी है तो भागते हुए करो। लेट्स भागो भागो भागो। जॉनी है नाम मेरा, रनिंग है नाम मेरा, रनिंग है नाम मेरा। जॉनी आपने हमें पहचाना नहीं? हम कुंती पुत्र, कल हमने आपके घर सामान रखा था। तो क्या उसकी मजदूरी चाहिए? नहीं नहीं मजदूरी नहीं, हम तो आप लोगों को कंपनी देने आए हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर टकलू। हम दे रहे हैं इन्हें कंपनी, चुपचाप यहाँ खड़े रहो और सांस लेते रहो। अच्छा तो अब चलते हैं। चलते हैं। नहीं नहीं ब्रदर, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। हाँ लगता है कौशल्या पुत्रियां इन तीनों के चंगुल में आ चुकी हैं। ब्रदर कुछ करो। डोंट वरी, मैं कुंती पुत्र महेंद्र आज के दिन ये पहन लेता हूं कि जब तक मैं इन तीन मासूम लड़कियों को इन तीन लफंगों के चुंगल से छुड़ाकर हम तीनों के दिल में कैद न करूं चैन से नहीं बैठूंगा। दिलावर भाई यही है वो तीन तलंगे। अपन को तो सिर्फ दो ही नजर आ रहा है, तीसरा कहाँ है? यही होगा। देखता हूँ। होगा। लेकिन गया था राजीव। जी वो टॉयलेट गए हुए। अरे वहाँ कहीं वन टू का फोर तो नहीं कर रहा है? हाँ हो सकता है। मैं बता हूँ तुझे वन टू का फोर। Yeah!
मैं तो कहता हूँ अब भाग ले, भागो, 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 भागो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आदाब कैलाशनाथ, सुबह सुबह चेहरे पर सूर्यास्त, क्या बात है? वही बेटों का काम? अरे हाँ इकबाल मियाँ, सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा कारोबार है लेकिन इसे संभालने वाला कोई नहीं है। तीन तीन जवान बेटे हैं और उन्हें दुनिया की हर चीज में दिलचस्पी है सिवाय हमारे इस कारोबार के। ओ, लगता है कि शायद मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाने में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। आपके उसी दुख का तोड़ भी मिल गया है। क्या? देखिए ये लीजिए हुजूर, अब जिम्मेदारी की तालीम देना इनका जिम्मा है। ये कौन है? ये डॉक्टर टोपी वाला है। डॉक्टर टोपी वाला? टोपी वाला डॉक्टर। टोपी वाला डॉक्टर? टोपी वाला। एक्सक्यूज मी डॉक्टर टोपी वाला। अच्छा एक्सक्यूज मी डॉक्टर टोपी वाला अंदर है? समझता हूँ। हेलो, आप भी डॉक्टर टोपी वाला से मिलने आए हैं? क्या चाहिए भाई? तूने मेरे बाप का कत्ल किया है। नहीं बचाओ, बचाओ। नहीं नहीं नारायण नहीं, इसी ने मेरे निर्दोष बाप का कत्ल किया है। जाओ 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 जा। घबराओ मत, इस रिवेंज कॉम्प्लेक्स है। रिवेंज। आपकी तारीफ। डॉक्टर टोपी वाला। बस बेटे बस, अब जाओ। जो आ गया पिताजी। प्रणाम पिताश्री। अरे ये मेरा पेशेंट है, इसके पिता कौन है ये नहीं मालूम। इसी शौक में तो बेचारा पागल हो गया है। मैंने अब इसे ठीक कर दिया है, इसीलिए तो हर एक को अपना पिता समझता है। डॉक्टर साहब आप मेरे बेटे को भी ठीक कर देंगे? क्यों, वो आपको नहीं पहचानते? पहचानते तो हैं लेकिन मेरा कहना नहीं मानते। ओ, सिरोसिस ऑफ द ब्रेन। जी? नहीं कोई बात नहीं, आप ले आइए उन्हें, ठीक कर देते। जी प्रॉब्लम क्या है कि वो यहाँ नहीं आएंगे, आपको उन लोगों को देखने के लिए मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा। फीस डबल होगी। माँ जी किससे बात करते थे माँ जी? किसी से नहीं। लाओ जरा दिखाओ तो अपने हाथ की लकीरें। अपने हाथ की लकीरें पढ़ लो, तुम्हारी और हमारी तकदीर अब एक है। जब जिंदगी भर के लिए हमने आपका हाथ थाम लिया है तो लकीरें भी एक हो जाती है। रहने दो रहने दो, ये सब कहने की बातें हैं। जिंदगी भर के लिए हाथ थाम लिया, ये मोहब्बत का नया नया बुखार है। सेहतमंद आदमी हूँ, बुखार बुखार नहीं होता, ये जज्बात जिंदगी भर कायम रहेगा। चाहो तो कभी भी आजमा कर देख लो। कभी क्या, अभी आजमा लेते हैं? आजमा लो। अच्छा तो पूरे एक घंटे के लिए मेरा हाथ पकड़ के दिखाओ। बस एक घंटे के लिए, मामूली बात है। कुछ भी हो जाए छोड़ना मत। एक घंटे के लिए ये हाथ मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हमारी मोहब्बत का इम्तिहान है, कोई मामूली बात नहीं। लो कोमल, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ देखते हैं, देख लो। अरे क्यों भाई लंगूर,
कैरी खाने की तमीज नहीं और आम खाने को चला है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये आम हम खाएंगे, क्योंकि तुम्हारी उम्र तो आइसक्रीम खाने की है। थोड़ा ये ले पैसे और जाकर आइसक्रीम खा बच्चे, जा। मेरे बाप माफ कर दे। जब आप मुझे बाप बोल ही रहे हैं तो बाप की एक नसीहत भी सुन लीजिए, हैं? दूध पीने के उम्र में आम चूसने के ख्वाब नहीं देखते बेटा। अजय, आइंदे से जब भी आपको किसी को आंख मारनी हो तो आंख सिर्फ मुझे मारना, समझे? तुझे पक्का भरोसा है इस बात का असर पड़ेगा उन तीनों पर? यकीनन होगा, तू लेटी रहे, मैं तीनों को बुलाती हूँ। अच्छा जा। तुली, ये दवाइयाँ ले आओ। जी अभी लाया। अबे सॉरी अंकल, हमारे घर में कोई बीमार है क्या? हाँ, तुम्हारे पिताजी। क्या हुआ डैड को? He is not serious. लेकिन अंकल कल शाम तक तो बाबूजी ठीक थे। रात को निमोनिया हो गया। खिचड़ी? हाँ खिचड़ी, डॉक्टर ने सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए कहा है। खिचड़ी में क्या है मम्मी, बना लेना, मुझे हेल्थ क्लब जाना है। मेरा आज मॉर्निंग शो देखने का मूड है मॉम, और मुझे तो टी सीरीज के चमन कुमार ने बुलाया है। देखा, अभी मैं खुद ही बढ़ते बढ़ते खिचड़ी पकाऊंगी। हाँ बनाएगी तू खिचड़ी, चल लेती रहे। अच्छा, तेरी बेटियां ही बनाएंगी। अरे देखो बच्चों, कौन सा रोज रोज तुम्हें जाना है, एक ही दिन की तो बात है। अरे इकबाल मियां, इनसे नहीं होगा ये काम। अरे कैसे नहीं होगा, आए रणधीर, राजीव, ऋषि, चलो कह दो अपने फादर से कि तुम ये काम कर सकते हो उनके लिए। पॉप, सिर्फ एक ही दिन की बात है ना? अरे सिर्फ एक दिन की बात है बेटा, कल तक तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे क्या कर रहे हो, खड़ा तो हुआ नहीं जाता तुमसे, कहाँ से ठीक हो जाऊंगा? अंकल इस बात की क्या गारंटी कि कल तक ठीक हो जाएंगे? अरे बाप से गारंटी मांगता है। अरे इकबाल मियां, तो अच्छा, तो मैं ही गारंटी देता हूँ ना भाई, ये कल तक ठीक हो जाएंगे ना भाई? ठीक है अंकल, बाबू जी आज हम अपना काम कर देते हैं, लेकिन हम कल से नहीं करेंगे। इकबाल मियां जी, जरा समझा दो इनको काम। साहब ये एक मिनट में समझा देता हूँ। हाँ तो बच्चों ये लो फाइल। अरे जमीन पर गिरा दी। इस फाइल में उस कंपनी का नाम और एड्रेस है, तुम तीनों जाकर डील फाइनल कर लो। मगर पाप आप कल तक ठीक हो जाएंगे ना? अरे कल तक ठीक हो जाऊं मैं, इससे तो अच्छा होता तुम्हारे पैदा होते ही मर गया होता। अब जाओ यहां से। तरकीब तो अच्छी बताई। आदाब है जनाब कैलाशनाथ जी, मैं तो पहले ही कहता था कि मेरा ये आइडिया तो फ्लॉप हो ही नहीं सकता। अब यूं समझ लीजिए कि आपके तीनों बेटे आज से लग गए काम पे। इडियट। सुनो ये खिचड़ी विचड़ी मैं नहीं पकाने वाली, तुम दोनों बैठ के यहाँ खिचड़ी पकाओ, मैं जाके दरवाजा खोलती हूँ। हाय एंड बाय, हम बिजी हैं, हमें बहुत काम करना है। सुनिए हम आपका काम कर देते हैं। तुम लोग करोगे? हाँ। फंस गए ब्रदर, फंस गए। चलो अब कंकर बिनो। हुआ नहीं अभी तक कुंती पुत्रों? तीन पुत्र एक पुत्री, जल्दी करो ना। बस अभी हो जाता है। घी गरम हो गया और अभी तक तुम लोगों ने चावल नहीं बिने। कुछ जल रहा है, कुछ ऐसा ही लग रहा है। मॉम हम लोग खिचड़ी पका देते हैं। मुझे नहीं खानी है खिचड़ी, तुम लोग जाओ यहाँ से। अब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, अगर तुम लोग अभी नहीं गए तो मैं फिर से बीमार हो जाऊंगी। क्या बात, ये मैं शर्मिंदा हूँ कौशल्या, मैं एक नई तरकीब सोचती हूँ। मेरी माँ तू कुछ मत सोचा कर। रणधीर भैया वो खाना नाम का आदमी हमें यही मिलेगा ना? जैसे मैंने बताया था वैसे ही करना। हमें डैड को 60 लाख का 1 करोड़ बना करना, समझे? डोंट वरी ब्रदर। चलो भैया जल्दी चलते हैं। चलाओ। एक्सक्यूज मी मिस्टर खन्ना। जी फरमाइए। गुड मॉर्निंग मिस्टर खन्ना। मॉर्निंग। नमस्ते मिस्टर खन्ना। नमस्ते।
जी हम कैलाशनाथ एंड सन्स की ओर से आए हैं। ओ तो आप ही तीनों कैलाशनाथ जी के लायक बेटे। जी दरअसल हमारे बाबूजी की तबीयत थोड़ी ढीली पड़ गई थी, इसलिए हमें आना पड़ा। आई नो, अभी कैलाशनाथ जी का फोन आया था कि आप लोग आ रहे हैं। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। मेरे बाकी के पार्टनर्स आ रहे हैं, उनके आते ही हम डील कर लेंगे। बोलिए क्या लेंगे आप लोग? सिर्फ आपके 10 मिनट। जी आप 60 लाख रुपए का लोहा खरीदेंगे, कितना मुनाफा हो जाएगा उसमें? ज्यादा से ज्यादा 10 लाख। और हम चाहते हैं कि आप 60 लाख रुपए लगाकर 1 करोड़ रुपए कमाएं। वो कैसे? फिल्म बनाकर। फिल्म? देखिए गना साहब, क्या प्रपोजल लेकर आए हम। माय हीरो, ये फाइट कंपोजर, ये म्यूजिक डायरेक्टर, और फिल्म का नाम पता क्या होगा? गोले, जो शोले की छुट्टी कर देगा। देखिए मैं सारी जिंदगी लोहे में डील करते आया हूँ और लोहे में ही करते रहूंगा। कोई बात नहीं, फिल्म का नाम भी लोहा रख देते हैं। जी उसमें मैं ऐसी फाइट कंपोज करूंगा कि विलन की वाह। विलन क्या चेहरा है, बिल्कुल विलन की तरह। सोचिए आप विलन हीरोइन को लेकर होटल में आते हैं और ये हीरो हेलीकॉप्टर से आता है और वहां हीरो को विलन कैद कर लेता है और हीरोइन से कहता है नाचो और हीरोइन नाचती है के पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी और हीरो सारी जंजीरें तोड़ देता है और गला पकड़ लेता है। प्लीज मेरे पर रहम कीजिए। क्या डायलॉग बोला, बिल्कुल ऐसी फिल्म बोला, क्योंकि इसके बाद मैं आपकी धुलाई करूंगा। डिशा ढंग ऐसे नहीं। एक सौ एक डिग्री, तुम्हें तो वाकई बुखार है। मुझे तो हार्ट अटैक आ जाना चाहिए था इकबाल मियां, कमाल का आइडिया दिया है। अरे मैंने अपने कबूतरों को पैदा किया है, नस नस से वाकिफ हूं उनकी। 60 लाख का नुकसान किया उसकी कोई बात नहीं, लेकिन उस कंपनी के मालिकों को अस्पताल में भिजवा। अरे आहिस्ता, धीरे धीरे धीरे, इतनी तकलीफ मत दो अपने आप को, ये तीसरी बार तुमको खांसी का दौरा पड़ा है। सर पांचवी बार। उल्लू का पट्टा। कैलाशनाथ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी ये स्कीम भी फ्लॉप हो गई। खैर कोई बात नहीं, मैं कोई और तरकीब ढूंढ निकालता हूँ। गुड्डी, वो बीबी जी, नाश्ता फटाफट। गुड्डी पहले मुझे भीगे बादाम ला कर दो। मी रात को बादाम भिगाए नहीं। क्यों गुड्डी? मेरा चीज सैंडविच लेकर आओ। माजी ने मना किया है। चीज सैंडविच मना किया तो कुछ और लेकर आओ। कुछ नहीं मिलेगा, माजी ने तुम तीनों को नाश्ता देने को मना किया है। होए क्या हो? मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। कांचन तुम्हारी मॉम ने तुम लोगों पर बॉम्ब डालना सीख लिया है। क्या कह रही हो मम्मी? माँ बिना नाश्ते के कैसे जिएंगे हम? नाश्ता चाहिए तो पहले ढंग से भारतीय नारी बनकर दिखाओ। यू मीन साड़ी चोली, पूजा पाठ की बोली, शादी ब्याह की डोली? एग्जैक्टली। नो चांस मॉम। तो फिर रहो भूखे, मैं चली। मम्मी माँ बेबी लोग आज तुम ही लोग नाश्ता क्यों नहीं बना लेती? मुझे कोई खास भूख नहीं है। मुझे भी भूख तो मुझे बहुत लगी है, मगर नाश्ते में मैं आज 3-4 गजल खा लूंगी। आग बाय। हेलो। हेलो रणधीर भैया, आपके लिए फोन है। हेलो रणधीर? नहीं। हेलो। हेलो रणधीर, मैं कंचन बोल रही हूँ। हेलो कंचन, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? खाना? खाना? खाना नहीं तो क्यों? हमारी मॉम ने हमें खाना देने के लिए मना कर दिया है। किचन में भी ताला लगा दिया होगा ना तुम्हारी माँ ने? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हमारे पॉप ने भी हमारे साथ यही हरकत की है। हम तीनों तो पानी पीकर सो रहे हैं, तुम तीनों भी पानी पीकर सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। कौन सा 30,000?
जो तुम्हारे बेटों ने मुझसे उधार लिए थे। मेरा कोई बेटा नहीं है। तुमने क्यों दी उन नालायकों को? मैं सब नालायक बेटों को रुपया उधार देता हूँ और उनके लायक बापों से वसूल करता हूँ। मैं तो नालायक बाप हूँ। कोबरा जी बड़ा अच्छा बिजनेस है। मुझे अपनी तारीफ नहीं सुननी, रुपया चाहिए वरना भेजा उड़ा दूंगा। लाता हूं। एक मिनट भाई साहब, ये 1 लाख रुपए के चेक पे साइन कीजिए। आया मालिक। मालिक वो 50,000 रुपए मैंने अलमारी में रख दिए। माँ कसम तुम इसको मारो, मैं जाता हूँ। तुम रुपया लेकर आओ, तब तक ये दोनों दस्तक गिनेंगे। गिनो। नौ, आठ, सात, छह, के पास सीधा गिनो, सीधा। ला रहा हूँ। हो आगे मेरे को गिनती नहीं आता। हो चार, सात, मैं दस गिनने वाला हूँ, जल्दी आइए। गिल्लो पूरे 30,000 है। अगर कम हुए तो कल फिर आऊंगा। एक मिनट, ये लो। एक लाख के चेक पे साइन कर दो। 50,000 कबर में रखा है। और बेटों को तो मैं गोली मार दूंगा। काम हो गया? हो गया। जल्दी से दबा ले। हमसे होशियारी है, मारूंगा। गलती हो गया बाप। निकाल माल, निकाल चल। ये लोग 25,000 तुम्हारी माँ ने दिए। अपन पूरे 30,000 लाए हैं। मॉम तो शुरू से कंजूस है। लेकिन डार्लिंग, एक दो हफ्ते के लिए तो बहुत होंगे ना। ये ले मेरा भाड़ा। और ये ले तेरा। बाप 10 रुपए बस के लिए चिल्लर। ये लीजिए और जाइए जल्दी से। चल टोपी निकाल, चल भाग यहाँ से। राजीव तो साहिबान, एक गजल पेश कर रहा हूँ, जरा तवज्जो चाहूंगा। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, अरे एक तू ही। कितना बेसुरा गाता है ना? इस बेसुरे को मैं ऋषि तुम गा सकते हो? अच्छा मैं ऋषि, आज तू दिखा दे अपना कमाल, कर दे धमाल, अरे छुट्टी कर दे उसकी। आज तो रस्म दुनिया भी है, मौका भी है और दस्तूर भी। ओहो भैया, कहाँ फंसा है आप मुझे? हमें गाना गाइए ना, प्लीज प्लीज। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, अरे एक तू ही धनवान। शुक्रिया। अरे वाह मेरे भाई, क्या गाना गाया तुमने, वाह। हेलो जरीना आंटी। हेलो। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते गुड्डी। अरे कहाँ गायब हो गई थी? अरे परसों से तेरे पास आने की सोच रही थी मगर फुर्सत ही नहीं मिली। तू फिर से कोई आइडिया वाइडिया सोच तो नहीं रही ना? नहीं, मैं तुझे इनवाइट करने आई हूँ। किस खुशी में? भाई कैलाशनाथ, एक अरसे के बाद हमारी जिंदगी में खुशी का मौका आया है। आखिर तुम भी वो गलती करी बैठे जो आज से 25 साल पहले मैंने की थी। इकबाल मियां, लत गए वो दिन जब औलादें माँ बाप को निहाल कर दिया करती थी। अरे मेरे औलाद के तौर तरीके देखकर भी तुमने कोई नसीहत हासिल नहीं की? शादी के 15 साल बाद क्यों औलाद के चक्कर में पड़कर अपना बुढ़ापा खराब कर रहे हो? पर कैलाशनाथ, कौन कमबख्त उल्लू का पट्टा औलाद की बात कर रहा है? अरे अभी तुम ही तो कह रहे थे कि एक अरसे के बाद खुशी का मौका। अमा यार, हम अपनी शादी की 15वीं सालगिरह मना रहे हैं, तुम कहाँ औलाद बीच में घसी रहे? तो शादी की सालगिरह मना रहे हैं आप लोग? हाँ। तो जरूर आऊंगा। हाँ लेकिन अकेले नहीं आना, अपने चारों बेटों को साथ लेके आना। दावत में थोड़ा हल्ला बुल्ला रहेगा। अपने बारे में तो कह सकता हूँ, उनके बारे में नहीं। हाँ फिर भी मेरी तरफ से उन्हें कहना जरूर, मुझे यकीन है वो जरूर आएंगे। Ah!
थैंक यू। आइए नमस्ते। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। जब से औरत अपनी बेटियों के साथ हमारे पड़ोस में आई है, जिंदगी का रंग बदल गया है। जिंदगी कहां कहां से गुजर रही है, जेल। हमारे पूर्वज नीचे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? खुश होंगे क्योंकि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे संतान के लिए ये जगह कोई नई नहीं है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही भरोगे। आंटी आंटी आप पूरी को नहीं जानते। अबे ओ उबले ओ अंडे, बीच में मत बोल साले, ये वेजिटेरियन भैंस हो रही है। अरे शुक्र कर हम जेल में है, भाव तो तुम्हारा कीमा बना लेते। आदम खोर हो क्या, आदमी खाते हो? अरे सुना था छह भाई थे, तीन को तो ये खुद खा गए। सब इस औरत का दोष है। दिल करता है इसका घर खरीद कर फिर गिरवा दूं और वहाँ तमीज की तालीम का मदरसा खुलवा दूं। क्यों? खुद का घर क्यों नहीं गिराता है? तुम इस शहर में रहने की लायक नहीं हो, जंगल में जाओ, जंगल में। वहाँ से आवाज नहीं आनी चाहिए, बिन खाद की औलाद। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, क्या है? हमें बाहर तो छोड़िए, उनको मत खोला, भाग जाएंगे। मेरे भाई को कुछ नहीं बोलना। आप लोगों में भी कोई भाई भाई होता है क्या? जरा सांस तो ले ले। अरे कैसे सांस लूं? इनके तीन आवारा बेटों ने मेरा जीना हराम कर दिया। मेरे बेटियों को फंसा रहा है, डोरे डाल रहा है। मछली यहाँ जाल में फंस रही थी, तुम्हारी बेटियाँ खुद ही भुदकती रहती है। जेल तक पहुंचा दिया, सारे शहर में मेरी बेइज्जती कर दी, और वो भी किसके लिए? उन तीन लुच्चे लड़कों के लिए? प्लीज उनके लिए ऐसे शब्द। अच्छा मम्मी प्लीज, उनके लिए शरीफ बाप के शरीफ बेटे हैं ना वो लोग। अब मैं भी देखती हूँ वो तीनों तुम लोगों से कैसे मिलते हैं, और अगर तुम तीनों ने उनसे मिलने की कोशिश की ना, हाथ पैर नहीं तोड़वा दी तो मैं भी तुम्हारी माँ नहीं हूँ। राजीव अब क्या करें यार, क्या करें भैया? खोल डालो फाटक, तोड़ दो ताले, सपना दो दरवाजे, हिला डालो बंगला। मोहब्बत है? हाँ है। मोहब्बत है? है। तुझे भी मोहब्बत है? हाँ हमें मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। आक्रमण! चलो पर, आइए रणधीर, कम चलो। राजीव भैया संभाल के। राजीव मैं कैसे आऊं नीचे? अरे बोल ना, जंप कैसे मारूं? भैया सब ठीक है, धीरे 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 धीरे।
कोमल, ये कोमल का कमरा है। नहीं, ये कविता का है। कविता का बगल वाला है। अच्छा, अबे रुक, बगल वाला कंचन का है। तो कविता का कौन सा है? ये क्या बेवकूफी है? इस तरह मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की तुमने? हाँ यही तो, यही पूछने के लिए तो मैं आई हूँ। तुम्हारे तीनों लुच्चे बेटे मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? हाँ बाबूजी, ओके छुट्टी राजीव। कोमल, तुम्हारी मम्मी हमें घर से निकलवाएगी। मम्मी को हमने इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। भैया, एक नंबर के नहीं, 100 नंबर के बदमाश है तुम्हारे बेटे, और तुम इनकी तरफदारी करे जा रहे हो। मैं इनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कौशल्या देवी की ताली एक हाथ से नहीं बजती है। चुटकियां तो बजती है, चुटकियां। अरे चुटकियां बजती है तो ठीक है, मेरे बेटे तुम्हारे घर में गए तो तुम्हारी बेटी ने बुलाया होगा। बिल्कुल बिगड़ी हुई बेटियां तुम्हारी। यू शराब, मेरी भी बेटियां अगर बिगड़ी हुई होती तो चोरी से पहले तुम्हारे घर में नहीं घुसती। ये तो तुम्हारे गुंडे बेटे जो पहले हमारे घर में घुसे। मेरे बेटे गुंडे हैं, हरामजादे हैं, नालायक हैं, मेरे हैं। वो तो लगते ही हो, शक्ल से लगते हैं। इससे पहले मैं गुंडागर्दी पे उतर रहा हूँ, पहले निकल जाओ। जाओ, हम शरीफ खानदान के हैं। अरे धमकी देता गुंडागर्दी के हैं। अरे तुम नहीं जाती तो मैं चला जाता हूँ। मैं जाता हूँ। मामा का चिल्लाता रहता है, नालायक बेटों की नालायक बाप। जबान को लगाम दो कौशल्या देवी। क्यों, मेरी जबान कोई घोड़ी है जो लगाम दो? मैं भी कोई गधा नहीं जो यहाँ खड़े होकर बातें सुनता रहूं। मैं जा रहा हूँ। कहाँ भागे जा रहे हो? आज तो मैं इस बात का फैसला करके जा रही हूँ। लुच्चे लफांगे कुत्ते आवारा। देखो कौशल्या देवी, मैं अपने बेटों के खिलाफ। ये दोनों चुपके हो गए। मुझे तो लगता है इनकी सांसें फूल गई हैं। शायद थक गए होंगे, थोड़ी देर में ये दोनों फिर शुरू हो जाएंगे। अब तो एक ही चेहरा रह गया, हम लोग भागकर शादी कर लेते हैं। खाना खाने के लिए जेब में पैसे नहीं है, और तुम शादी की बात कर रही हो? चलो भैया, बाबूजी से चलकर माफी मांग लेते हैं। और आंटी से भी। हाँ यही ठीक रहेगा। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। टिड़िन टिन टिड़िन टिन टिड़िन टिन टिड़िन टिन टिड़िन। अभी तो आई हो, अभी अभी तो टिरीरी टिरीरी। अभी जरा मंच चले। बाप को क्या हो गया? डैड, बाबूजी और आंटी जी। भैया, सपने में किससे लड़ रहे थे? अरे लड़ नहीं रहे थे ब्रदर, पिट रहे थे। अरे मारा तो ख्वाब में, लेकिन हकीकत में बड़ी दुख रही। अरे यानी कि सपने में भी हमारे दिल को धड़कने की इजाजत नहीं है ब्रदर। हमें कुछ करना पड़ेगा। हाय सन, हाय बड़ी, आदाब जनाब। आज आप तीनों घर पर ही हैं? नहीं पॉप, हमें आपसे कुछ कहना है। नो टाइम, नो टाइम, मुझे तैयार होकर बाहर जाना है। वैसे आप जा कर रहे हैं? मैंने कभी तुमसे पूछा है? पूछा ही है तो मैं डिनर पर जा रहा हूँ। कैंडल लाइट। लेकिन बाबूजी सुनिए तो। पॉपी अचानक, आपको हो क्या गया है? डैड, आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? बाबूजी, वो भगल वाली आंटी के साथ।
या तो मैं उन्हीं के साथ रहा हूँ कैंडल लाइट डिनर के लिए। आप इस उम्र में ऐसी हरकत करेंगे, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। सोचा तो मैंने भी नहीं था मेरे बच्चों, अगर मुझे बहुत दिनों बाद पता चला कि माँ की कमी औलाद को निकम्मा बना देती है। अगर तुम लोग नालायक हो उसमें कसूर तुम्हारा नहीं मेरा है। मैंने तुम्हें बहुत दिनों तक माँ के प्यार से महरूम रखा, लेकिन अब नहीं, अब तुम्हें माँ का प्यार मिलेगा बहुत जल्द। मगर डैड, इस बात पर माँ की आत्मा को कितनी तकलीफ होगी, ये कभी सोचा आपने? यस पॉप, उनकी रूह बेचैन हो जाएगी। हाँ बाबूजी, ऊपर बैठी हमारी माँ कितना रोएगी जब ऊपर से वो अपनी सौत को आपके साथ देखेगी। अरे बच्चों, तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा करने को कहा था। माँ? लेकिन बाबूजी, वो तो ऊपर है। कल रात वो ऊपर से नीचे आई थी। क्या? क्या? अरे सपने में आई थी यार। अच्छा अच्छा। और बोली, मैं मर गई तो क्या हुआ, मेरे बच्चों को बिना माँ के रखोगे, हमारा बनने दोगे, दर दर की ठोकरें खाने दोगे। मैंने कहा नहीं। तो बोली, मेरे बच्चों के लिए एक माँ ला दो, मेरे बच्चों के लिए एक माँ ला दो। मैंने आज तक तुम्हारी माँ की कोई बात नहीं टाली, तो ये कैसे टाल सकता हूँ मेरे बच्चों? मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए एक माँ लाने जा रहा हूँ। ओह, कैंडल लाइट डिनर का वक्त हो गया, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अब वो दिन दूर नहीं जब कैलाशनाथ कौशल्या आंटी के गले में वरमाला डालेगा और बीबी के साथ साथ अपने बेटों के लिए तीन तीन बहनें भी लाएगा। हाँ। और बहनें भाइयों के लिए गाएंगी। हाँ। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। गाना तो तुमने रिमोट कंट्रोल से बंद कर दिया भाई, मगर ये बात हकीकत में हो गई तो क्या होगा? भैया, बाबूजी कितने लुच्चे निकले। अरे लुच्चे, आवारा, लफंगे, पता नहीं क्या क्या निकले यार। अब तो उन्होंने विग पहनना भी शुरू कर दिया है, जबकि उन्हें टोपी पहननी चाहिए। टोपी? ये टोपी हमें बचाएगा। कौन कौन टोपी? डॉक्टर टोपी वाला। मुंह खोलो, आंख थोड़ी कमजोर है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। आपको पेशेंट कहां है? कैलाशनाथ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये हमारे डैड नहीं है, डैड ऊपर है। डॉक्टर आइए हमारे साथ। नो 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 नो, मुझे पेशेंट के सिम्टम्स पता है, मैंने लाइफ में ऐसे बहुत पागल देखे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, बाबूजी जैसा कभी नहीं देखा होगा। हाँ डॉक्टर, डैड की जरूरत से ज्यादा अटक गई है। अटक गई है? अटक नहीं डॉक्टर। प्लीज डॉक्टर, प्लीज हमारे पॉप को एक जिम्मेदार बाप बना दीजिए। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, ये जूनियर टॉप्स तुम्हारे पॉप्स को एकदम ठीक कर देगा। तुम लोग यहीं पे रहना है। क्या करो, जीते रहो, जीते रहो। डॉक्टर साहब, आपका ये बैग। इसकी जरूरत नहीं है, तुम ही रख लो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद। जब से तू आंखों में ढक नकुर ढक नकुर। लगता है पॉप को कोई नहीं सुधार सकता। बाबूजी, डैड, यू टॉकिंग टू मी? यस जी। तुम लोग इतने सालों से बिना माँ के अनाथ थे। तो मेरा अनाथ बच्चों, बहुत जल्द मैं तुम्हारे लिए एक नई माँ लेकर आऊंगा। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। अरे भैया, आंटी को मम्मी कहने के आदत डाल दो। भैया, राजू कहीं सच तो नहीं कह रहा? तेरी तो। मेरे सामने वाली खिड़की एक चांद सा टुकड़ा रहता। मॉम, मम्मी, माँ, रोको नहीं, टोको नहीं, मुझे जाने दो, जाने दो। हाँ, अगो माजी। गर्ल्स, आज से माजी आउट, मैडम इन। मैडम, और आइंदा से मुझे टोको मत। मैं चली, मैं चली। देर इज नो सोल्यूशन। दिमाग पे इतना जोर डालने का कोई फायदा नहीं, कोई रास्ता नहीं निकलेगा। रास्ता तो तब मिलता जब समस्या इस दुनिया की होती। ऐसे अजीब गरीब हाथ से तो धरती पर नहीं होते। हाँ, ऊपर किसी ग्रह पर होते तो पता नहीं। ऐसा तेरा रिश्ता मैंने आज तक नहीं देखा। दिमाग से पूछा तो खिली उड़ा दी।
कहता है ऐसा तो कोई इंसानी दिमाग सोच ही नहीं सकता कि हमारे ही प्रेमी का बाप हमारी ही माँ के साथ। छी 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 छी। बोलने में भी कितना अजीब लगता है। राजीव भैया, रंजीत भैया, यानी कि दुनियावी तौर पर हम लोग भाई बहन हो गए। ये बात जरूरी जुबान पे लानी। पाप है, ऐसा मत सोचना। लेकिन जिंदगी के सारे त्योहार तो अब खत्म हो गए, एक ही रह गया है, रक्षाबंधन। अबे रक्षाबंधन नहीं, बोल रक्षा भगवान। डैड, करना है तो करो मन की मुराद पूरी, सब खुश। नीचे तुम खुश, ऊपर भगवान जी। सारी लड़कियों को बहन बना दो, चलेगा। हाँ? इन तीनों को छोड़कर। हाँ। बख्श दो इनकी माँ को बाबूजी, बख्श दो। ऐसे बुढ़ापे में लोग ताजमहल में रोमांस करते हैं, दो दिन में खंडर तो हो ही जाएगा वो। डैड, आप हमसे हमारा ताजमहल न ले, चाहे तो लाल किला रख लीजिए। रंधीर भैया, लाल क्या, हरा नीला पीला सारे किले रख लीजिए बाबूजी, लेकिन हमारा ताजमहल मत छीनिए हमसे। अरे आइडिया। इस घर में तो दुल्हन बनके मुझे ही आना है। अगर डैड ने आपको पसंद किया तो देख लेना, तुम्हारे पिताजी तो मुझ पे ही लट्टू हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं? पर दूल्हा है कहाँ? बस थोड़ी सी देर और मैडम पॉप आने वाले हैं, आप अपने दिलों को थाम के बैठिए। ये हमारे डैड नहीं है, ये हमारे डैड नहीं है। बैठिए। आप ऊपर क्या कर रहे हैं, नीचे क्यों नहीं आए? जी वो बालों वाली टोपी पहन रहे हैं। बालों की टोपी? जी वो। जी, इसका कहने का मतलब है कि बाबूजी अपनी विक सेट करके आए। देखिए अगर और देर हो गई तो मैं और टाइम ले लूंगी। नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। पॉप, डैड, बाबूजी। माँ देखो तुम्हें कितने लोग मिलने आए। मॉम, तुमने कहा था ना कि तुम्हें जीवन साथी चाहिए। हम छांट कर इतने सारे जीवन साथी लाए हैं, तुम किसी भी एक को चुन लो और वरमाला डाल दो। बेबीज, आई एम नॉट द्रौपदी, यू नो, मैं द्रौपदी नहीं हूँ जो मेरे लिए स्वयंवर रचाए जाए। मैं अपना वर यानी लाइफ पार्टनर खुद चुनूंगी, बल्कि चुन लिया है। आप कहाँ जा रहे हैं? आप ही के लिए तो आए सब। लेडीज, ये हैं हमारे पॉप, जिनकी उम्र है स्वीट 60। आई एम स्वीट 50। आई एम ओनली 45 स्वीटहार्ट। भूत 36 सागर 32 नदी। क्या बात है बाबूजी, बाबूजी। पॉप, आप इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं पॉप। क्यों बाबूजी, आपको जीवन साथी की जरूरत थी ना। डैड, ये तो पहला बैच है। हाँ। अगर इनमें से कोई पसंद आओ तो कल हम इश्तेहार दे देंगे। हाँ। कैलाशनाथ करोड़पति के लिए एक आदर्श पत्नी। हाँ। वो सब अब करने की जरूरत नहीं है। पहले मैंने अरेंज मैरिज की थी, लेकिन अब मैं लव मैरिज करूंगा। हाय, और लव मुझे हो चुका है। किसे? मेरी कौशु से। तेरा देख के रूप के मस्ताना मेरा दिल हो गया तेरा दीवाना। क्यों, इस सर के आदमी से हमें फंसा रहे थे जबकि पहले से कहीं फंसा हुआ है? Yes? मालिक, बगल वाले बंगले की तीनों मेम साहब आई हैं। ओ, मेरी पुत्रियाँ। हेलो, हाय 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 हाय। तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। ये घर, ये दीवारें, ये सब कुछ तुम्हारा है। सोचा तो हमने भी है, मगर आप नहीं चाहते कि हम लोग इस घर में बहू बनकर आए। इस घर में? अरे इससे अच्छे घरों में तो मैं बहू बनाकर भेजूंगा मेरी बेटियों। अंकल, हम आपकी बेटियां नहीं है। तो होने वाली हो बेटी। अंकल, आपको मालूम है आप क्या कर रहे हैं? शादी, मगर एक खूंखार औरत से। अच्छा? हाँ अंकल, मॉम ने हमारे डैडी को जहर दे दिया था। वो होंगे इसी लायक। वो आपको भी जहर देके मार डालेगी। वो जहर दे या कत्ल कर दे, मुझे मंजूर है, क्योंकि मैंने तो मोहब्बत उससे की है मेरी बच्चियों। मेरी बच्चियों, पता है मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत एक चिड़िया होती है जो फुदक फुदक कर दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है और पूछती है, मे आई कम इन, मे आई कम इन। फिर दिल का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर जाकर बैठ जाती है। तुम्हारी माँ भी मेरे दिल के अंदर बैठ चुकी है, अब वो बाहर नहीं निकलेगी। मेरी कोशु मेरे दिल से बाहर नहीं निकलेगी,
वो फुदक चुकी है, वो फुदक चुकी है। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तिरछी तिरछी नजरें, मालिक रे बिखरे बाल, मालिक 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 क्या क्या, चुप हो जा, चुप हो जा। मालिक मालिक, कैलाशनाथ जी के तीनों बेटे आपसे मिलने आए हैं। तो उन्हें अंदर भेज दीजिए नौकर। अच्छा मालिक। कैलाशनाथ जी के बच्चों को परमिशन लेने की कब से? आइए अंदर आइए। यानी आप तीनों इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि अंदर आने की खबर नौकर से भिजवाओ। आए। अरे तुम तीनों कब आए? अभी अभी तशरीफ लाए बेगम। लेकिन इनके मुंह लटके हुए क्यों है? आपने कुछ कहा क्या? लीजिए हमारी शामत आई है। तो फिर अंकल वो क्या है कि वो? अच्छा यानी फिर से आप गाड़ी ठुकवा के आए हैं? नहीं अंकल बात ऐसी है कि वो अंकल जी वो बात वो क्या कर रहे हो? पूरी बात क्यों नहीं कहते? अरे भाई कह तो रहे। हाँ बोलो 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 बोलो। अब क्या बताएं आंटी जी, हमें तो कहते हुए शर्म सी आ रही है। अरे आप कह भी दीजिए मियाँ, इतने शर्मीले तो आप पहले कभी न थे। इकबाल अंकल बात बहुत सीरियस है। हाँ अच्छा, हमारी डूबती हुई कश्ती को आप ही पार लगा सकते हैं। क्यों भाई, कैलाशनाथ ने तुम तीनों को अपनी जायदाद से बेदखल तो नहीं कर दिया? हाँ? वो नौबत भी आने वाली है अंकल। वो नौबत आने से पहले तुम तीनों सुधर क्यों नहीं जाते? हाँ? आंटी हम तो सुधरे हुए हैं लेकिन डैड बिगड़ गए। बिगड़ गए? हाँ आंटी जी, भजन कीर्तन करने की उम्र में बाबूजी मोहब्बत के हसीन नगमे गा रहे हैं, वो भी एक शादीशुदा औरत के साथ। क्या? हाँ अंकल। हाँ डैड बगल वाली आंटी के साथ कमर हिला ला कर गाने गा रहे हैं। बगल वाली आंटी यानी? यानी कौशल्या। हाँ, वो तीन बेटियों वाली अम्मा हमारे पाप के साथ ठुमके पे ठुमका लगाकर गाना गा रही। अरे नहीं, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा आंटी। अरे तो तुम मियां अपनी आंखों का जाकर इलाज करवाओ, कैलाशनाथ ऐसा कर ही नहीं सकते, तुमने किसी और को देखा होगा। अंकल अगर आपको विश्वास नहीं तो घर आके देखिए, डैड आजकल आईने के सामने काजल लगाते हुए नजर आते हैं। हाय अल्लाह। अरे इकबाल मियां, इस तरह छुप छुप कर मेरी खूबसूरती का जायका ले रहे हो? जायका? बड़े शर्म की बात है यार, हैं? अच्छे खासे शरीफ बुद्धों की जमात में आने के बाद इस उम्र में बगल वाली के साथ गुटरगू कर रहे हैं आप? गुटरगू? मैंने तो एक पालतू कबूतर ही मंगवाया है जो मेरा प्यार भरा खत लेकर बगल में याने के बामे यार पर जाएगा। अरे कैलाश जा, जा, कबूतर जा, कैलाशनाथ जा, ये तुम्हारी उम्र नहीं है बामे यार पर खत भेजने की। तुम्हारे कबूतर के पर काटने के लिए तुम्हारी तीन बड़ी बड़ी कैंचियां बेकरार है। अरे किसे फिक्र है उन कैंचियों की, किसे? अच्छा तो फिर एक बात बताइए। बताओ। कि खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर, कि पर कतरने को लगी है कैंचियां दीवार पर। इकबाल मियां इसका जवाब है, खत कबूतर इस तरह ले जाए बामे यार पर, कि पर पे हो मजबून और पर गिरे दीवार पर। कैलाशनाथ क्या तुम होश में नहीं हो? मैं होश में रहूं या बेहोश, अब तो बस लब पर सिर्फ एक ही नाम है, केलू केलू केलू। कौशल्या कौशु हट, तू तीन जवान बेटियों की अम्मा है, अपनी उम्र का लिहाज तो कर। जरीना असली मोहब्बत का रंग तो इस उम्र में चढ़ता है। काश तू भी मेरी तरह मोहब्बत कर सकती। मैं? हाँ तुम इकबाल मियां, यही तो एक उम्र है मोहब्बत की चिड़िया पकड़ने की। ऐसी 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 इकबाल इकबाल इकबाल। कैलाशनाथ तुम्हारे दिमाग और दिल के पुर्जे ढीले हो गए, जंगालूद हो गए। मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ और वार्निंग दे रहा हूँ, छोड़ो ये छिछोरापन और सीधी तरह से एक जिम्मेदार बाप बन जाओ। कौशु से मेरी शादी, कौशु कौशल्या देवी से मेरी शादी का इरादा एक जिम्मेदार बाप का ही होगा। तुम नहीं जानते इकबाल मियां मेरे बच्चे बिन माँ की किस तरह बिलख रहे थे, आवारा थे, बिगड़ गए थे। उनकी बिगड़ने की सिर्फ एक ही वजह है, सर पर पिता का साया नहीं है ना, तो मैं उन्हें एक जिम्मेदार पिता का साया देकर उन लोगों को सुधारना चाहती हूँ। बस मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बेटियाँ नहीं तुम बिगड़ रही हो। तुम बिगड़ ही नहीं गए बल्कि अंधे भी हो गए हो। खुदा के लिए संभालो अपने आप को कैलाशनाथ, अपने पोतों को खिलाने की उम्र है तुम्हारी। अरे पोतों को दादी का भी तो प्यार मिलना चाहिए। उफ, अरे सठिया गए हो तुम, होश की दवा करो, सारी बिरादरी थूथू करेगी तुम पर। मैं बिरादरी से नाता तोड़ लूंगा बस। किस किस से नाता तोड़ोगे तुम? हर उस शख्स से जो शादी के खिलाफ होगा। यानी मुझसे भी? अगर तुम्हें शादी के खिलाफ हो तो तुमसे भी। मैं 100% शादी के खिलाफ हूँ। 100% तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। वाह कैलाशनाथ वाह, 20 मिनट में तुमने 20 साल पुरानी दोस्ती तोड़ दी। प्यार का ऐसा भूत तुम्हारे सर पर सवार हुआ है कि मुझे तुम पर तरस आता है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ,
और बहुत सोच समझ कर रहा हूँ। क्या आप जानते हो तुम? प्यार के फुतूर में तुम अंधे हुए जा रहे हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तुमको, न बाप का फर्ज न घर की जिम्मेदारियाँ। अरे तुम्हारे बच्चों की शादी की उम्र है और तुम अपनी शादी के ख्वाब देख रहे हो। किन बच्चों की बात कर रहा है तू? नहीं, किन बच्चों की बात कर रहा है तू? उनकी, जिन्होंने मुझे सिवाय दुख दर्द और बेइज्जती के और कुछ नहीं दिया, और मैंने उनसे क्या मांगा था? जरा सी जिम्मेदारी का एहसास बस, और वो भी नहीं दे पाए मुझे। इसलिए मुझे मेरा फर्ज याद दिलाने की बजाय अगर तुम उन्हें समझाओ कि फर्ज किस चिड़िया का नाम होता है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं नाकामयाब रहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं बात होता तो ज्यादा अच्छा होता। कैलाशनाथ, तुम्हारे मुंह से तो खून निकल रहा है, क्या बात है? मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। नहीं नहीं, एक बार डॉक्टर के बस की बात नहीं रही। वो तुझे वही बताएंगे जो मुझे बता चुके हैं। पर क्या है कैलाशनाथ, एक दूसरे को सब कुछ बताने का जो दस्तूर हमने बरसों निभाया है वो कायम रख मेरे यार, तुझे मेरी कसम। क्या बताया डॉक्टर ने? हाँ, मौत की तारीख, ब्लड कैंसर है मुझे। ब्लड कैंसर आखिरी स्टेज पर? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है, हुक्मनामा ऊपर से आया है, बस 4-5 महीनों की बात है और फिर शो खत्म। बाप का रोल अभी पूरा नहीं हुआ और कमबख्त मौत भी जल्दबाजी में। पता नहीं बच्चों को जिंदगी निभाने का सलीका सिखा भी पाऊंगा या इकबाल, अगर ये काम अधूरा रह गया तो बहुत तकलीफ होगी, बहुत। कैलाशनाथ, बस एक आखिरी उम्मीद पर जान अटकी हुई है कि मेरा और कौशल्या देवी का जो प्रेम का नाटक है वो शायद उन्हें सही रास्ते पर ले आया है। तो नाटक? हाँ, तुझे क्या लगता है इकबाल, ये नाटक ही है अपने बच्चों को सुधारने की आखिरी कोशिश? मैं एक लाचार बाप की तरह नहीं बनना चाहता। एक कामयाब जिंदगी गुजारने के बाद अगर आदमी का जनाजा उसके जिम्मेदार बेटों के कंधों पर सवार होकर निकले तो मौत जिंदगी को एक तोहफा लगती है। ये कैलाशनाथ छाती ठोककर ऊपर वाले के दरबार में जाना चाहता है। तुझे क्या लगता है मेरा नाटक वाला आइडिया कामयाब होगा कि नहीं? पता जरूर होगा यार। बस इकबाल, एक आखिरी बात और कर दे, उन्हें कभी कुछ मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझ पर तरस खाकर उनमें कोई एहसास जागे। अब एक ही दुआ मांग मेरे दोस्त कि नतीजा निकले मगर मेरी सांस रुकने से पहले। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो दोनों शादी ना करें तो आप लोगों को थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। कैसी कुर्बानी? अपनी मौज मस्ती की, फिजूल खर्ची की, आवारा गर्दी की। तुम्हारा मतलब ये लोग लायक बन जाएंगे? लेकिन राखी जी, हम लोग तो लायक बनने के लिए तैयार हैं, बल्कि हम लोग तो हैं ही लायक। हाँ, नालायकपन पर तो वो दोनों उतर आए। हाँ, मगर ऐसा करने के लिए उन्हें किसने मजबूर किया? तुम लोगों ने। भरा पूरा घर होने के बावजूद कैलाशनाथ को अकेलापन क्यों महसूस हुआ? तुम्हारी वजह से। और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने कौशल्या देवी का सहारा लिया। और कौशल्या देवी ने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाया? तुम तीनों की वजह से। जवान बेटियों का सुख अगर माँ को ना मिले तो ऐसे में बेचारी माँ क्या कर सकती है, क्या करेगी, किसे सुनाएगी अपने दिल का हाल? और यही सबब है, यही वजह है कि वो दोनों बदनसीब एक दूसरे के करीब आने लगे, अपने दुखड़े सुनाकर अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए। ऋषि, रणधीर, राजीव, तुम तीनों, कविता, कोमल और कंचन, तुम तीनों क्या एक बार भी कोशिश करके तुम वो सब नहीं कर सकते जो तुम्हारे मां बाप तुमसे चाहते हैं? क्या उनका इतना भी हक तुम लोग अदा नहीं कर सकते? तो ठीक है, हम ये भी करके देख लेंगे, मगर उसके बाद भी? उसके बाद सब ठीक हो जाएगा रणधीर। पहले तुम लोग जाकर अपने मां बाप को वो खुशी दो जिसका उन्हें बरसों से इंतजार है।
क्या बात है, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं जरीना, कैलाशनाथ का ख्याल आया तो आंखें भर आई। सब ठीक हो जाएगा, आपकी बात मान जाएंगे वो। सर मैं तुली बोल रहा हूँ। हाँ तुली बोलो। सर आपके बेटों ने तो कमाल कर दिया। क्या? I don't believe it। कोठारी एंड सन्स की मिले मेरे बेटों ने खरीद ली। जी सर। वो रणधीर, ऋषि और राजीव। मैं सच कह रहा हूँ सर। I don't believe it। जो काम मैं इतने दिनों तक नहीं कर सका उन्होंने एक हफ्ते में कर दिया। उन्होंने तो वो फॉरेन कोलैबोरेशन वाला प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया सर। क्या? नहीं तुली, इतनी सारी खुशखबरियां मैं फोन पर नहीं सुनना चाहता। सर आप फैक्ट्री आ रहे हैं? हाँ मैं आ रहा हूँ मैं। ठीक है सर, मैं सबको बता देता हूँ कि आप फैक्ट्री आ रहे हैं। तो मत बताना, मैं आई वांट टू गिव देम अ सरप्राइज। मैं उनको काम पर देखना चाहता हूँ। हाँ डोंट टेल देम। ओके सर, ओके सर, ओके सर। गए आपकी बातों का क्या असर पड़ा है कौशल्या के बेटियों पर? आज जब मैं उनके घर गई तो क्या देखती हूँ, कंचन किचन में खाना पका रही है, कोमल घर की सफाई में मशरूफ है और कविता भजन गा रही है। ये सब आप ही के वजह से। क्या बात है, आप इतनी गुमसुम क्यों हैं? जरीना, ऊपर वाला भी पता नहीं किस मूड में होता है जब वो इंसानों की तकदीरें लिखता है। मतलब यह है जरीना कि कैलाशनाथ पिछले 20 साल से जिस खुशी की तलाश में था, आज जब वो खुशियां उसे मिल रही हैं, तो किस्मत ने उसकी सांसों की गिनती कम कर दी है। मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ बताइए ना क्या हुआ है। जरीना, कैलाशनाथ अब ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएगा। क्या? हाँ जरीना। मगर क्यों, क्या हुआ है उन्हें? वो ब्लड कैंसर। नहीं। वो भी आखिरी स्टेज पर। नहीं, नहीं। क्या ला?
तुम लोगों ने अपने मम्मी के नाम चिट्ठी लिख दी है ना? हाँ। इसे वहां रख दो कोमल, क्योंकि हम भी अपने पाप के लिए एक लेटर लिख कर आए। छे, ऐसे मम्मी डैडी तो किसी दुश्मन के भी नहीं होनी चाहिए। मुझे तो डैड को डैड कहते हुए शर्माती है, और मुझे माँ को माँ। अरे इकबाल अंकल ने जैसा हमसे कहा हमने वैसा किया, मगर इन दोनों के सर से प्रेम का बुखार अभी तक नहीं उतरा। ऐसे माँ और बाबूजी से तो हर औलाद को रिश्ता तोड़ देना चाहिए। अरे डैडी की जायज औलाद होने से अच्छा है किसी की ना जायज औलाद होते तो ज्यादा सुखी होते। वाकई तुम लोग तो जायज औलाद कहने की भी काबिल नहीं हो। शर्म नहीं आती आपके पिता के बारे में अनाप शनाप बकते हुए? और आपकी शर्म कहाँ चली गई मम्मी? बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। तो किसने हद पार की है? तुमने। कहते हैं माँ भगवान का रूप होती है, मगर तुमने भगवान की बनाई उस माँ का मुंह काला कर दिया है। और उसी भगवान ने पिता को भी बनाया है। पिता जो धर्म होता है, जिसे सबसे बड़े देवता का स्थान दिया गया है, आज वही देवता गुनाहों का देवता हो गया। खबरदार, खबरदार जो एक लफ्ज भी अपने पिता के खिलाफ बोला तो। मैं कैसी माँ हूँ इसका गुणगान मैं नहीं करना चाहती हूँ, मगर हाँ एक जिम्मेदार माँ जरूर हूँ। और तुम लोग सच कहते हो? तुम लोग, तुम्हारे पिताजी सचमुच इंसान नहीं है, देवता है वो। पता नहीं पिछले जन्म में कितने पुण्य किए होंगे तुम तीनों ने, जो ऐसा बाप मिला है तुम्हें। एक देवता समान आदमी आपके लिए देवता होंगे, हमारे लिए हैवान है वो। और आप जैसी हैवान और शैतान की जोड़ी इस धरती पर दूसरी नहीं हो सकती। वाह वाह वाह, देख रही हैं आप क्या क्या मिसालें देकर अपने बाप की शान में इजाफा कर रहे हैं आप लोग। सचमुच बच्चों, आपकी बातें सुनकर दिल को बहुत ठंडक पहुंची है। काबिल औलाद होने की क्या मिसाल कायम की है आप तीनों ने मिलकर। वाह अंकल, आप नहीं जानते हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया। आप ही ने तो कहा था कि बाबूजी हम तीनों को बिजनेस संभालता देखकर सुधर जाएंगे। और हमारे सुधरने के बाद डैड और ये मोहतरमा गाड़ी में पता नहीं भाव में भाई डाल गई। नहीं आंटी, राजीव ठीक कह रहा है, हमने आज ही इन दोनों को कार में इकट्ठे देखा है। हे भगवान, मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं? कौशल्या, तुम इन लोगों को सच सच क्यों नहीं बता देती? कैसे बताऊं जरीना, कसम जो खाई है। तो कौशल्या देवी, आज वो कसम तोड़ डालिए ताकि इन तीनों की आंखें खुल जाएं। इससे पहले कि ये अपने बाप की और धज्जियां उड़ाएं, बता दीजिए कि इनके बाप पर क्या गुजर रही है। तो सुनो, तुम्हारे पिताजी की जिंदगी अब सिर्फ कुछ महीनों की मेहमान है, और कुछ महीनों के बाद हम सब उन्हें रोकना भी चाहे तो भी उन्हें रोक नहीं पाएंगे। हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए वो चले जाएंगे। क्या हुआ बाबूजी को? ब्लड कैंसर। क्या? ब्लड कैंसर? मगर पाप ने हमें कभी बताया नहीं? उन्होंने किसी को नहीं बताया, मुझे तक नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर वो मुझे बता देते तो मैं उनके साथ ये प्यार का नाटक कभी नहीं कर पाती। हाँ नाटक, तुम तीनों की आंखें खोलने के लिए इन दोनों ने प्यार का नाटक खेला था, और आज जो तुमने जिम्मेदारी का ये एहसास जागा है वो सिर्फ इस नाटक की वजह से। और जहां तक कि वो गाड़ी की बात थी, मैं एक बीमार आदमी को अपनी बाहों का सहारा दे रही थी, और तुम लोग। सॉरी आंटी। अंकल, हम लोग वाकई में बहुत गिरे हुए लोग हैं। हम लोग उनके नाम इतनी खराब चिट्ठी छोड़कर आए हैं जिसे पढ़कर उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। अंकल भैया, मैंने डैडी के पास ये चिट्ठी नहीं पहुंचने दी, मैं उसे उठा लायो। अजू, थैंक यू वेरी मच। एक धागे में पिरोसकर उन्होंने हम सबको एक प्यारी सी दुनिया दी है। ये प्यारी सी दुनिया मत बर्बाद करना, मत बर्बाद करना। भगवान भगवान, प्लीज भगवान, हमारे पापू को हमसे मत छीनो भगवान, प्लीज। डैड, बाबूजी, डैड, आंख लग गई थी, सब ठीक तो है ना? हाँ डैड, डैड ये फाइल देखिए, हम लोग फॉरेन कोलैबोरेशन में एक
प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। पॉप, पूरे 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट। और बाबूजी, ये देखिए, हमारे फॉरेन कोलैबोरेशन में से हमें 70% का मुनाफा हुआ है। 70%, दैट्स फैंटास्टिक। तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। दादी, जरा मेरा रिपोर्ट कार्ड भी तो देखिए, मैंने मैक्स में 100 में से 100 लाए। 100 में से 100, उतने तो मेरे भी नहीं आए। भाई, तुम सबने मुझे बहुत खुश कर दिया, मेरी भूख जागी। चलो चल कर नाश्ता करते हैं। बाबूजी, आराम से डट, आराम से। मालिक, मैं आपकी खांसी की दवाई लेकर आता हूँ। बजरंग, इन्हें जिस चीज की जरूरत थी अब इन्हें मिलने लगी है। क्या? विटामिन एस। विटामिन एस? एस मतलब सांस, विटामिन सांस। चलो। पहलवान जी, का लफड़ा है रे? वही खलीफाओं का लफड़ा है जिनके बारे में आपको बताया था। इन्हें बड़ा चकाया हुआ है। का मसला है तुम तीनन का? पहलवान जी, पहले तो उन तीनों के बाप ने हमारी होने वाली सास के साथ रोमांस का नाटक किया। अब उन लड़कों और हमारी लड़कियों के भाई बहन के रिश्ते भी खत्म हो गए। खतरा फिर हमारे सर पे आ गया है। अरे ओ भोंक के, खतरे का सलूशन तो हम निकालूंगा। पहले ही बताओ, तुम्हारा पतलूमा हरा कागज कितना है? पहलवान जी, हम अपनी सारी दौलत पहले ही मोहब्बत के नाम पे लुटा चुके हैं। तो क्या हमरी गोद में झूला झूले आए हो? मंडप बनवाने का पैसा नहीं खीसे में, और खोपड़िया पर सहरा पहनेंगे भोंक के। पहलवान जी, आप हमारी शादी करवा दीजिए। बहुत मालदार पार्टी है वो। तीन लड़कियां, ना बाप ना भाई, एक बूढ़ी माँ है, और उसका टिकट तो कभी भी कट सकता है। जो भी जायदाद मिलेगी, आधी आपकी आधी हम तीनों बांट लेंगे। ओके, बड़ा नाप तोल के ताड़ा है छोकरियन को। हम इन्वेस्ट करता हूँ तुम्हारे साथ। अरे दियावर, ब्याह की तैयारियां करो, हम दुल्हनिया का डोली लेकर आता हूँ। बहुत कर लिया पूजा पाठ, अब हम तुम तीन देवियों को त्रिदेव वरदान में देता हूं। हमारा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आज संपन्न होगा। छोकरियों को साथ फेरे का फेर समझा दो अच्छी तरह। मंडप के इर्द गिर्द छटपटाई तो झोंक देंगे इसी आग में। वाह, लगता है ये छोकरी हमारी पाठशाला का सबक सीख लिया है। अरे दुल्हनिया को ले आओ, देखो ना दूल्हा लोग कितना व्याकुल हो रहा Yeah.
हेलो, मैं भी आया। आप लोग बाहर रहिए। डॉक्टर साहब, डैडी। उन बच्चों की तो मां भी नहीं है भगवान, इतनी जल्दी उनके सर से पिता का साया मत छीनो, अनाथ मत बनाओ भगवान। अपना फैसला बदल दो, अपना फैसला बदल दो भगवान। परवरदिगार, तेरा हिसाब किताब तू जाने, अगर उसे जाना पड़ा तो उसके साथ हमारी तमाम खुशियां चली जाएंगी। या अल्लाह, उसकी जान बख्श दे, उसकी जान बख्श दे। डॉक्टर साहब, डैडी, तमाम टेस्टों के बाद नतीजा ये निकला है कि कैलाशनाथ जी का अंत नजदीक आ गया है और आने वाला कोई भी दिन उनका आखिरी दिन हो सकता है। आप कौन हो तो उनकी मौत की तारीख पक्की करने वाले? कौन होते हो आप? आए दिन अखबारों में आपकी गलतियों की खबरें छपती रहती हैं। ये मशीन गलत है, वो मशीन गलत है, मैं तो कहता हूं आप खुद गलत है। ये भी तो हो सकता है आपकी लापरवाही की वजह से उनका ब्लड टेस्ट चेंज हो गया। वो ऐसे नहीं मर सकते, वो ऐसा नहीं मर सकते। काश ये सच होता भैया। यानी 17 तारीख को हम लोग बाबू जी का जन्मदिन? नहीं नहीं नहीं, जरूर मनाएंगे। हम 17 तारीख को कैलाशनाथ का जन्मदिन जरूर मनाएंगे। है मेरे पास एक तरकीब। देखो, जैसे ही कैलाशनाथ को होश आ जाता है और वो घर जाने के लायक हो जाते हैं, दुनिया के लिए चाहे वो कोई भी तारीख हो, हमारे लिए वो 17 ही तारीख होगी, कैलाशनाथ के जन्मदिन की तारीख, जिसे हम धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन लेकिन अगर सर घर वापस नहीं आए तो ले, इतनी तो सिफारिश ऊपर वाला हमारी जरूर मानेगा, इतनी मोहलत तो उसे हमें देनी पड़ेगी। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Babuji, happy birthday to you, yeah! उस दिन मैं अस्पताल में क्या रहा, तुम लोगों ने अपना बाप ही बदल दिया। ये सब किसकी शान में हो रहा है भाई? डैड, आप भूल गए, आज 17 तारीख है, आपका जन्मदिन। आज 17 तारीख है। कमाल, हमें पता ही नहीं चला कि आज 17 तारीख है। हॉस्पिटल में जिंदगी कितनी जल्दी गुजर जाती है, यानी कि हॉस्पिटल में हमने इतने दिनों की फिजूल खर्ची कर दी, आज 17 तारीख है। मैं बस, अब बातें बंद। डॉक्टर ने आपको ज्यादा बात करने के लिए मना किया है ना? अरे, सांसों का कोटा कम तो कम सही, लेकिन बातें करने के लिए मेरे पास प्लीज ज्यादा बात मत। नहीं नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, मैं तो उस असलियत को जाहिर करके आप सबकी दाद देना चाहता हूँ जो आपके और मेरे बीच में थी। भाई, बहुत बहुत मेहनत की हम लोगों ने, कौशल्या देवी की बेटियों ने अपनी माँ और कैलाशनाथ के बेटों ने अपने बाप के बीच में जो रोमांस देखा, वो और कुछ नहीं, आप लोगों को पटरी पर लाने के लिए एक बहुत बड़ा नाटक था। अरे, मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग की और आप में से किसी ने ताली भी नहीं बजाई? ये भी बता दिया इन्हें, राज का खूब छलकाया चाम तुमने हमराज। खैर, इन काले वालों से छुटकारा मिला
एक बहुत बड़ा बोझ उतरा और नाटक खत्म। लेकिन पर्दा गिरने से पहले आप सबके लिए एक सूचना, मेरी गैर हाजिरी में मेरी सारी जिम्मेदारियों का चार्ज होगा कौशल्या देवी के पास। सलाह मशवरा डांट खाना इन सब चीजों के लिए आप इनके पास जा सकते हैं। ये क्या जन्मदिन पर यह तोहफा हमें कबूल नहीं है? बोले क्या चाहिए? हमारी तीनों बेटियों का हाथ मेरे तीनों बेटों के लिए, यानी कि दोनों घरों के बीच की दीवार टूटनी चाहिए। बोलो मंस, बोलो। ये तोहफा आपने लिया है या दिया है? ऐसी कंगाली, मैं ये भी तो नहीं कह सकता कि मेरी मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। बाबूजी, बाबूजी, आप उधर चलिए। कैलाशनाथ, 60 साल पूरे करते ही नेता बनने का शौक पाल लिया, खड़े खड़े भाषण दे रहे हो। चलो चलो, चलकर वहां सोफे पर बैठ जाओ। बैठिए दादा, बैठिए। मैं जानता हूं आज 17 तारीख नहीं है, मेरे 60 साल पूरे होने में अभी तकरीबन 6 दिन बचे हैं। घबरा मत, इसे जाहिर होने नहीं दूंगा। लेकिन लेकिन ये आइडिया भी तुम्हारा योग है मेरे दोस्त। लगता है अपना वक्त आ गया। देख बार कोई हॉर्न बजा रहा है, जरा देखना, जरा देखना कौन सी गाड़ी लेकर आया है। कोई नहीं आया, आप कहीं नहीं जा रहे। जाना तो पड़ेगा बेटा, ऊपर वाला बॉस 60 साल पहले इसी नौकरी पर भेजा था। ट्रांसफर बैक टू हेड ऑफिस। तुम लोगों के चेहरे इतने मायूस क्यों हैं? मुझे तुम्हारी ये शक्ल पसंद नहीं, तुम्हारा वो पुराना रूप मुझे अच्छा लगता है। वो शोर शराबा, वो शरारत। तबले पर आज मेरा साथ दे रहे हैं कैलाश खान साहब। कैलाश अदाब। ये वही चंडाल है जो पिछले 20 वर्षों से न मुझे जीने दे रहा है और ना ही मरने दे रहा है। अपने बाप को चंडाल कहता है? हाय डैड, आई एम मैड जब तुम जैसे नमूनों को पैदा किया। राजीव, कम ऑन डैड, कम ऑन। क्या करते? एक बार मरना नहीं चाहता, कोई तरकीब, कोई आइडिया? कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। उस ऊपर के जहाज से किसी को इजाजत नहीं इस घर में घुसने की, जहां जन्मदिन मनाया जा रहा है मेरे डैड का। कोई नहीं आ सकता। मैं देखता हूं कौन आकर हमारे इस जश्न को रोकने की कोशिश करता है, मैं उसकी सारी कोशिशें मिटा कर रख दूंगा। कोई आकर हमारे इस खुशी को छीनने की कोशिश तो करे, मैं उसे। छोड़कर गए हुए आज आपको
7,500 तो ले। 26 दिन। 7,526 दिन। 6 घंटे। 6 घंटे 25 मिनट और 5 सेकंड हुए हैं। 6 सेकंड। शट अप तो ले। यस सर। मैं रोज इसी तरह आपके सामने अपना दुखड़ा अपना दुखड़ा सुनाने के लिए खड़ा हो जाता हूं। डैड, कहने को तो 4 बेटों का बाप हूं, लेकिन फकर करने लायक एक भी नहीं है। चौथा भी छोटा है इसलिए ठीक ठाक है, लेकिन बड़ा होते वो भी अपने भाइयों की तरह। खैर, आपसे 2 घड़ी बात कर लेता हूं तो मन को शांति मिलती है। गॉड ब्लेस यू। आई एम सॉरी। गॉड ब्लेस योर सोल।